जिंद महाराज की जो पूजा होती है ना, वो देखो वो जो महल है ना, वो जो लास्ट के तीन कॉर्नर बने हुए हैं, जो संदूर और वो लग रही है ना, वहाँ पर जिंद महाराज की पूजा होती है आज भी। जो ऐसा मान लीजिए 30 साल से देखो चिराग जल रहे हैं वहाँ पर, लोकल लोग चिराग जलाते हैं आज भी। तो देखो ये जो पूरा गार्डन है ये 16वीं सेंचुरी का ही है। तो जो तांत्रिक ने रानी के लिए परफ्यूम बनाया था, जो रानी को अपने वश में करना चाहता था, देखो वो ये पेड़ है, केवड़े के पेड़, ये ग्रीन कलर की जो पत्तियां आके ऊपर फोल्ड हो रही है ना, गन्ने जैसी पत्तियां हैं, ये केवड़े के पेड़। अपने बारिश खत्म होती है तब इनमें केवड़ा आता है, जो काफी महंगा होता है, वो सुगंधित होता है। और यहाँ भूमिया जी महाराज ये बने हुए हैं, जो राजस्थान के लोक देवता होते हैं भूमिया जी महाराज, जो एक तरह से पहले राजा महाराजाओं के वक्त में वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते थे, वो भूमिया जी हैं। आज भी देखो तंत्र विद्याओं के माध्यम से नेगेटिव एनर्जियों को रोका जाता है आज भी वहाँ पर, तो जो चल रही है ना वहाँ भी उस जगह पर। तब नवरात्र है तो देखो काफी लोग आते हैं यहाँ पर आज भी। ये उनके स्थान बने हुए हैं, पूरा गार्डन है, बहुत केवड़े है इसमें बहुत ज्यादा। पहले काफी लोग देखो ना केवड़े वगैरह जो लेने के लिए आते थे ना पहले, देखो कई लोग गिर गए थे ऐसे यहाँ पर, किसी ने गिरा दिया था। उनका ये था कि जो केवड़ा होता है इसमें सबका अट्रैक्ट होता है, देवताओं का वास होता है इसमें, नेगेटिव एनर्जी का भी प्रभाव होता है, सांपों का भी होता है, क्योंकि सुगंधित होता है ना, तो सब उसी की तरफ अट्रैक्ट रहता है। तो ये चीज़ें हुई है। उसके बाद ये सेकेंड फ्लोर है जिसको क्लोज कर दिया, इधर से देखो ये गेट होता था पहले जस्ट, और इसमें से देखो इसको क्लोज कर दिया गया है कम से कम 15 साल पहले। क्यों? देखो इसमें सेकंड फ्लोर से कुछ लोग चले गए अंदर, और ये देखो पहले डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो देखो रोशनदान वगैरह सारे क्लोज थे, और अंदर जाने से दम घुटने से डेथ हो गई थी 2-3 जो लोग थे टूरिस्ट वगैरह। उसके बाद में देखो इस गेट को बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है। देखो दोस्तों ये दरवाजा बनाया गया पिछले 15 साल पहले, पहले यहाँ दरवाजा नहीं होता था, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग अंदर घुसे और बोलते हैं कि सफोकेशन में उनकी मौत हो गई, इसलिए यहाँ दरवाजा बना दिया गया। जाना देखो अंदर, इसको नहीं जाना, मांगे चलते हैं। चलो भाई गेट ये अंदर से क्लोज कर रखा है इसको भी बिल्कुल, ये भी सेकंड फ्लोर में जाता था पहले, बट ये तो बहुत छोटा सा ही है। आगे से देखो पहले ये इधर से नहीं होता था, इसको बंद कर दिया बिल्कुल यहाँ से, ताकि लोग अंदर जाना सही। क्योंकि नई जनरेशन में लोग आते हैं तो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तो गुफा टाइप का लगता है। हाँ लगता है गुफा टाइप, बट ये गेट होता था पहले। तो इसमें क्या है कि लोग प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, बट आगे भी एक रूम बना हुआ है, रूम के बाद भी बिल्कुल आगे से क्लोज है ये, अच्छा जाना सके। जितने भी खुफिया रास्ते हैं टोटल बंद कर रखे हैं अब प्रेजेंट में, ताकि लोग देखो अंदर एंट्रेंस नहीं कर सके। भाई बहुत जोर का तूफान आ चुका है, हैं? टोपियां उड़ रही हैं हमारी, संभालना मुश्किल हो रहा है। सोना, तुमने सोने की बात करी? अच्छा तुमने सोने की बात की, अच्छा ओके। मैं देख रहा हूँ, नजर गड़ाए हूँ। भाई ऊपर चढ़ते चढ़ते जान निकल चुकी है। यहाँ कुछ स्मेल है, अजीब सी स्मेल है ना इधर, चमगादड़ों की। करेक्ट, हम पानी भी नहीं लेकर आए, कबूतर भी है।
जिन महाराज की पूजा होती है तो रूल्स है, कुछ रूल्स ये है, देखो कोई भी जूता लेके नहीं जाएगा उधर, एक तो शूज लेके नहीं जाएगा उधर, अगर किसी को जाना हो तो देखो पहले तो शूज खोलना, उसके बाद में ये देखो कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, कहने का मतलब है कि बहुत 40 किलोमीटर के दायरे के लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, तो कुछ तो वजह है तभी तो आते हैं, नहीं देखो कौन है, कौन पैसा लगा के आएगा। अरे हम तो बॉम्बे से आए भाई, देखो अपन आप आए हैं केवल और केवल यानी घूमने और यहाँ की वो देखने के लिए, बट इनका जो पर्पज होता है ना वो अलग होता है, यानी नेगेटिव एनर्जी को रोकना, लोगों को सुख शांति देना, इनका पर्पज थोड़ा देखो हटके हो गया, कहने का आस्था का हो गया। तो देखो यहाँ पर सिगरेट वगैरह चढ़ाते हैं आज भी यहाँ पर, जो ऐसा बताते हैं कि पहले जो जिन महाराज होते हैं ना, सिगरेट मिठाइयों का और फूड के सबसे फेवरेट होते हैं उनके। चलो सिगरेट, आ जाओ विजय, देखो ऐसे जला के रख देते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो जिन तीन प्रकार के होते हैं, एक तो देखो से जल्दी, हाँ चल ठीक है, देखो ये जोत जलते रहते हैं इसमें आप देखेंगे, और जोत भी एक में दो दो तीन तीन जलती हैं इसमें, देखो तो एक तो देखो जिन होते हैं जो मुसलमानों के देव होते हैं, एक जिंद होते हैं जो हिंदू देवी देवताओं के साथ में होते हैं, एक जिंद वो होते हैं जो राजा महाराजाओं की कोष के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, और एक जिंद वो होते हैं देखो जो नेगेटिव तौर पर महिलाएं पुरुषों में आना शुरू हो जाते हैं ना एक तरह से हवा के रूप में। तो यहाँ देखो तीनों ही जिंदों की पूजा होती है, सबसे बड़ी बात है तीनों ही जिंदों की पूजा होती है, किसी में भी नेगेटिव एनर्जी आती है तो देखो ये सिगरेट वगैरह और इनकी जो फेवरेट चीजें मैंने बताई थी मिठाई वगैरह वो चढ़ाते हैं, उसके बाद में नेगेटिव एनर्जी को जिन महाराज एक तरह से यहीं रोक लेते हैं उसको, और उसके बाद में वो जो व्यक्ति में या कोई महिला में आती है तो वो देखो सुरक्षित चले जाते हैं। कुछ में ये भी होता है कुछ नीचे जो पॉन्ड बना हुआ है उसमें नहा के भी चले जाते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी यहीं रुक जाती है, बट ये होता है कि देखो जिंदों के ऊपर भी एक बॉस होता है जो एक तरह से इनकी बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है ऐसा बताया जाता है, बड़े बड़े महल जैसे आमेर फोर्ट है, जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, भानगढ़ है, इनमें जिंदों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जितने भी यहाँ के खजाने वगैरह वो होते हैं ना तो पहले राजा महाराजाओं का उनकी रक्षा करते हैं एक तौर पर उनका प्रभाव होता है, अगर कोई लेना चाहता है तो पहले जिंदों से लड़िए, जिंदों से फिर उसके बारे में सोचिए। देखो इनके बारे में ये बताते हैं, कहने का मतलब है कि कुछ लोग एक तरह से तांत्रिकों की मदद से देखो यहाँ पर आ गए थे, और यहाँ के जो जिन थे वो जयपुर किसी वजह से चले गए थे या कोई मीटिंग थी या क्या थी उनकी, तो उन लोगों ने देखो यहाँ से कुछ खजाना वगैरह खोद लिया था, रख लिया था, बट तांत्रिक ने उनको पूरी लोकेशन दे दी थी कि इस वक्त इस जगह आ गए, इस वक्त इस जगह आ गए, तो देखो वो चलते चलते जैसे ही वो ले जाने की कोशिश की थी थोड़ी दूर गए थे, उसके बाद में देखो उसकी एंट्री हो जाती है जिंद की, जिंद बाबा की, और उसने पहले तो देखो उस धन को वापस उसी में रखवाया और उसको पूरा वो कर दबा के और उनको छोड़ दिया गया यहाँ से, तो चले गए वो लोग। देखो एक महीने के अंदर उनकी दो तीनों की डेथ हो गई, ये बातें हमने खुद देखी है। चाहते तो जिंद उन लोगों को वहाँ भी मार सकते थे, बट उन्होंने इस प्रकार से अपना कार्य निभाया कि लोगों में भय भी कायम रहे और अपना नाम भी ना। तो देखो ये चीज़ें आदमी हैं जिंद महाराजों की, तो ये साक्षात हैं, इसमें देखो कोई दोराई नहीं है, झूठ नहीं है, कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो आस्था बनी हुई है रियल में कुछ तो होती है, तभी तो लोग इनकी पूजा करते हैं। चलो भाई देखो इनके स्थान है, इतने भी बने हैं ना, देखो ये सारे जिन महाराजों के स्थान है, अलग अलग रूप से लोगों देखो प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई संत का स्थान है तो कोई नेहरू जी का स्थान है, कोई पितृ कालेश्वर का है, कुछ हरिशे ले स्थान है, वगैरह लगती थी जब जिस राजा का शासन होता था तो उसके अकॉर्डिंग वो लगाते थे अपना ध्वज, एक तरह से झंडा होता था तो वो लगते थे इनके ऊपर, और कोई भी अनाउंसमेंट करते थे तो राजा महाराजाओं के वक्त में यही होता था,
और ये दीवाने आम और दीवाने खास होते थे, बट ये देखो गिरने से ऐसा लगता नहीं है कि रात दरबार होता था पहले, जो झरोके होते थे ना। तो ये कितना मंजिला था वैसे? ये 7 फ्लोर में था पहले, 7 फ्लोर में, अब 4 ही बचा है। हाँ, तो काफी गिर गया। ये झरोके होते थे तो इधर से रानियां खड़ी होके, तो बाहर कोई इवेंट होता था ना तो उसको देखने के लिए, क्यों चलते हुए सभा में उनको लाव नहीं होता था ना आने के लिए, दिनों में पर्दा सिस्टम और झरोके बहुत था। हाँ, तो इधर से देखती थी रानियां, और इधर जो पब्लिक मीटिंग वगैरह होती थी, राजाओं के कोई संधि समझौते होते थे ना, सब इस जगह पर होते थे। उसके बाद देखो ये टॉप है, इसके बाद लास्ट फ्लोर है ऊपर। उसके बाद में देखो और तो यहाँ पर वो जो पॉन्ड वगैरह बने हुए हैं, जो भूमिया जी का स्थान है ना, वहाँ देखो जो पानी वगैरह आता है ना नेचुरल तौर पर, वो बता देंगे आपको। देखो भाइयों, यहाँ पे आए बहुत विजय, थोड़ा डरा भी हुआ था, लेकिन अभी सब ठीक ठाक है, क्योंकि लगा था, क्योंकि जगह के बारे में इतना बताया गया है कि वर्ल्ड में 3rd नंबर पे हॉन्टेड जगह है ये, हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर किला है, ये 7 मंजिली होता था, अब 4 मंजिली रह गया है। वक्त के अनुसार भाई चीज़ें होती हैं, इस पर इन्वेजन्स भी हुए हैं, इन्वेड किया गया है, तो टूटा भी है वो, आप पत्थर वत्थर देखे भी होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है यहाँ पे, आके फील भी बहुत अच्छा लगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं भाई से पूछना चाहूँगा, यहाँ पे जिंद जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये भाई बता रहा था कि जिंद जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं के संपर्क में होते हैं उनको बोलते हैं जिंद। जिंद, हाँ, और इनमें भी फिर 3 प्रकार हो गए। एक तो वो जिंद होते हैं जो जितने भी हिंदू देवी देवताएं होते हैं, जैसे भैरव जी है, भौमिया जी महाराज है, और जो लोक देवता है, उन लोक देवताओं के संपर्क में होते हैं एक जिंद तो। और सेकंड जो जिंद होते हैं वो होते हैं कि राजा महाराजाओं के जितने भी जो फोर्ट वगैरह बने हुए हैं, वहाँ जितने भी खजाने वगैरह हैं, उनकी रक्षा, हाँ, उनके रक्षा के रूप में कार्य करते हैं। और तीसरे जिंद जो होते हैं वो भाई वो इंसानी रूप भी ले लेते हैं, वो ज्यादातर क्या होता है कि सुंदर महिलाओं को देखकर थोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो मानव रूप धारण करके उनसे ब्याह भी करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं। एक भाई से सुना कि यहाँ कई गांव हैं जो उनके बसाए भी हुए हैं, बच्चे बच्चे जो हैं। अब ये सुनने के लिए तो भाई पटकथाएं और लोक कथाएं लगती हैं, लेकिन ये भाई बोलते हैं भाई इनमें सच्चाई है। देखो क्या है कि यहाँ जो स्थान मैंने आपको बताया था अभी, वहाँ पर देखो ऐसे ही लोग अधिकतर आते हैं, जो अपनी मान्यताएं लेके आते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। क्या होता है कभी कभार देखो कुछ वक्त बच्चे वगैरह भी नहीं होते हैं, देखो ये भी समस्या होती है एक तरह से, तो देखो यहाँ आने से वो भी समस्याएँ दूर हो जाती हैं, लोगों के पास में कोई भी एक तरह से देखो जो गरीबी हालत से होता है, और तो देखो अगर जिन महाराज की अगर वो हो जाती है एक तरह से, खुश कर देते हैं उनको, खुश कर देते हैं, कृपा हो जाती है, तो देखो धन दौलत और शोहरत से भी बढ़ा देते बढ़ा हैं। कहने है। का मतलब ये है कि वो आबाद भी कर दे तो बर्बाद भी कर दे, और बर्बाद भी कर दे तो आबाद भी कर दे। बट ये है कि देखो बर्बादी का तो 0.1% है, जो भी अधिकतर जो करते हैं वो आबादी करते हैं लोगों को, बहुत संख्या में लोग आते हैं। देखो भाई आप देखना चाहते हो कभी तो यहाँ पर देखो, एक तो शनिवार को ज्यादा आते हैं लोग सबसे ज्यादा, क्योंकि जो वार होते हैं ना शनिवार ही होता है देवताओं का और जिन्नों का वार। सेकंड होता है कि जो अमावस्या पूर्णिमा और जो हिंदू त्यौहार आते हैं जैसे होली दशहरा, इनको देखो जो नवरात्रा वगैरह आते हैं बहुत संख्या में लोग आते हैं जिन महाराज की पूजा करने के लिए। देखो अभी हम लोगों ने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, हैं इतना एंटरटेन कर दिया है, जगह के बारे में जो इतना हॉन्टेड बोला जाता है हमने बता दिया। भाई ऐसी मतलब यहाँ मुझे तो बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं आई, विजय तेरे को भी अभी थोड़ा तो अच्छा महसूस हो रहा होगा ना? नहीं हो रहा? पर इतना तो बोल दे भाइयों को, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट, और भाई घंटी जरूर बजाओ, और दोस्त एक बार उंगली घुमा के यहाँ बोल फंकी टोंक। देखो एक बार मैं सभी से वो करता हूँ कि चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कहने का मतलब कमेंट कीजिए कि एक तरह से फैला दो आग की तरह, आग की तरह फैला दो फंकी टोंक। ट्रिक था जो रानी को वश करने के चक्कर में था, उस कच्चे का यहाँ जंगल है, यहीं से इतर भीतर बनाया था उसने।
देखो दोस्तों मुझे ये मिला यहाँ पर, विजय देख मैं जहाँ जा रहा हूँ कुछ ना कुछ मिल रहा भाई। अरे ये ताबीज है ये, पर डायमंड लग रहा है मेरे को तो, देख बहुत बड़ा है भाई, ताबीज है। यहाँ पे जादू टोना होता है, इसको वापस वहीं रख के आ जा। पक्का ऐसी बात है ना, वापस रख के भाई। यहाँ की चीजें जो मिले वो लेकर नहीं जानी चाहिए, हमें अंदर से मिला था तो इसे अंदर वापस छोड़ कर आ रहे हैं। आ जाओ देख यहाँ रख रहा हूँ भाई, तू ले लेना। यहाँ से मिला था भाई, इसको यहीं रख देते हैं, ठीक है? चलो दोस्तों, राजस्थान में हमारा साथ यहीं तक था। मैं अपने भाई को भी यहीं से अलविदा बोल रहा हूँ। बाय बाय बबलू, बाय बाय भैया, और मिलेंगे फिर। थैंक यू सो मच, आपका सफर बहुत बढ़िया रहे। और सॉरी पता नहीं तो आ जा, डेफिनेटली चक्कर लगाऊंगा। बना ले कुछ प्लान, बना दो तीन दिन है वहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। और नदीम भी भाई अब यहीं हमें अलविदा कह रहा है, क्योंकि ये अपने गांव में जाएगा, दो चार दिन रुकेगा, ईद मनाएगा, उसके बाद ये वापस बॉम्बे जाएगा, ठीक है? तो मजा आया, 10 दिन अपन साथ में रहे, मजा आया ना, किया और देखो मजा आया, मस्ती यार। बोल फंकी टोंग, फंकी टोंग है। और अभी हमारा विजय भी फिट हो गया है, देखो सारा डर निकल गया। देखो हम जिस चीजों के बारे में सोचते हैं कि भूतिया वगैरह, ऐसा कुछ नहीं भाई, बहुत अच्छी मस्त जगह है, सबको आना चाहिए, आकर इस जगह पर देखना चाहिए। और देखो मेरे को तो क्या है वो अपना क्या बोलते हैं हिंदू, जिंद उनके बारे में पता चला, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कुछ भी यार। जिन के बारे में तो सुना था, वो अलादीन का चिराग जिन, वाला अलादीन का जिन, किसो जिन, मेरे आका के काका, क्या मांगना है आपको, मांगो मेरे आका के काका, मैं आपका जिन हूँ ना, आका ना वाका बोले। चलो भाई फिर इसके बाद हम चल रहे हैं यहाँ से, सीधा जाएंगे गुड़गांव अपने दोस्त अनिल मलान के पास। बाय बाय राजस्थान, फंकी टॉक।